हाँ चलो बोलो अब। सर जब टैटू फेस विथ S-35 लिए थे तो वो नॉन रेडियो एक्टिव कैसे होगा? वो तो रेडियो एक्टिव होना चाहिए था। फिर से बोलना। ठीक इन्फेक्शन वाला जो था एक्सपेरिमेंट, इसको उसमें हम लोग नॉन रेडियो एक्टिव लेके चल रहे थे, लेकिन उसमें तो हम लोग टैटू नॉन फेस का एस रेडियोएक्टिव, थर्टी फाइव डाल उसका प्रोटीन कोट नॉन रेडियोएक्टिव था और डीएनए बस उसका रेडियो, प्रोटीन को लेकर। डीएनए उसका रेडियोएक्टिव ओह था। फिर कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा, और पहले वाले में प्रोटीन कोट रेडियोएक्टिव था और डीएनए नॉन रेडियोएक्टिव था, लिखे भी तो थे। ये ग्रीन वाला रेडियोएक्टिव है, यहाँ पे डीएनए कैसा है, डीएनए नॉर्मल है मतलब नॉन रेडियोएक्टिव है, और यहाँ पे ये प्रोटीन कोट ये कैसा है, रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पे डीएनए कैसा है, रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पे प्रोटीन कोट कैसा है, नॉन रेडियो एक्टिव है। अब बोलो ये किए थे पहले वाले टेस्ट ट्यूब में, ये किए थे दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में, तब जाके लास्ट में जो यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में और यहाँ पे जो टेस्ट ट्यूब में आपको यहाँ पे जो नीचे में बैठा हुआ मिला पैलेट, यहाँ पे भी नीचे बैठा हुआ पैलेट, और यहाँ ऊपर कुछ तैरता, यहाँ पे जो ऊपर तैर रहा था उसमें आया रेडियो एक्टिविटी, और जो यहाँ ऊपर तैर रहा था उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं आया, इससे पता चला, क्योंकि यहाँ पे हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया था तो रेडियो एक्टिव सुपर टेंट में आया, और यहाँ पे हमने प्रोटीन को नॉन रेडियो एक्टिव छोड़ा था तो यहाँ पे सुपर टेंट नॉन रेडियो एक्टिव आया, तो समझ में आया हमें कि जब हमने प्रोटीन को रेडियो एक्टिव बनाया तो सुपर टेंट रेडियो एक्टिव हुआ, जब प्रोटीन को नॉन रेडियो एक्टिव बनाया था तो उस टाइम सुपर टेंट नॉन रेडियो एक्टिव आया, मतलब प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होता है, क्योंकि वो जो भी पार्ट सेपरेट हुआ होगा बैक्टीरिया से वो तो बहुत कम पोर्शन रहा होगा, हल्का रहा होगा, तभी वो तैर रहा है ऊपर, और जो पार्ट नीचे सेटल हो गया तो वो ई कोलाई के मास के अंदर घुस गया होगा, वो भारी होगा, मतलब वो वही ई कोलाई में ट्रांसफर हुआ होगा, और यहाँ पे ये वाला पार्ट जो भी पैलेट है वो नॉन रेडियो एक्टिव है, और यहाँ पे जब हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया तो इसने रेडियो एक्टिव दिखाया, मतलब हम समझ गए डीएनए ही ट्रांसफर हुआ है। बोलिए अब समझ में आए, यस सर। चलो तुम्हारा भी सवाल जायजे था, लेकिन तुम बस ये कंफ्यूज हो गए थे इस बात को लेकर कि ये प्रोटीन रेडियो एक्टिव है, ये समझ रहे थे कि डीएनए नॉन रेडियो एक्टिव है, नहीं उल्टा है, जिसका जस्ट उल्टा यहाँ हमने डेवलप किया है ना। और इसका सवाल थोड़ा सही था जो अभी पूछा कि सर दोनों को एक साथ क्यों ना कर दें, फॉस्फरस 32 और सल्फर 35 दोनों को एक साथ मिला के ई कोलाई को पूरा ओवरऑल रेडियो एक्टिव बना दें तो वायरस भी ओवरऑल रेडियो एक्टिव होगा, तब तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि ट्रांसफर कौन हो रहा है, इसलिए तो अलग अलग स्टेप में कराए ना। सिंपल एग्जाम्पल मैंने बता दिया कि एक डब्बा दे के भेज रहे हो दो आदमी को, जाओ पहुंचा दो वहां, 100 रुपया दे के भेज रहे हो, 50 रुपये चोरी हो जाता है रास्ता में, वहां 85 पहुंचता है, वो बोल रहा है हमने चोरा है, वो बोल रहा है हमने चोरा है, तो सिंपल तरीका है एक दिन अकेले भेजो उसको डब्बा लेके, अगर नहीं चोरी हुआ तो समझ लेना ये नहीं चोराता है, एक दिन उसको दे के भेजो, अगर चोरी कर लिया मतलब 50 रुपया चोरी हो गया मतलब यही चोराता है, तो अलग अलग भेजोगे तभी ना पता चलेगा कि चोरी किया कौन है, तो ये है, ये सिंपल एग्जाम्पल है। चलिए यहाँ जाके 1952 में साबित हो गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, तो आई थिंक इस सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल के लिए इतना सफिशियंट है। अब हम बढ़ते हैं आगे।